हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्यूरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। ब्रदर्स टेक्निकल इंस्टीट्यूट से मैं देवेश खाड़े, आज हम ऑटोमेटिक कॉफ़ी वेंडिंग मशीन का वर्किंग देखेंगे। उसी के साथ साथ इसमें क्या पार्ट्स लगे वो देखेंगे। उसके बाद में पार्ट्स का वर्किंग कैसे होता है और वर्किंग का प्रोसेस क्या है ये जानेंगे। तो जैसे हमारे पास में ये कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है, इसे हम वेंडिंग मशीन ही बोल सकते हैं, ब्रूवरेज वेंडिंग मशीन। इसमें आप जैसा टी अगर यूज़ करना है तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ अगर मिल्क पाउडर डाल के आपको सिर्फ गर्म पानी में अगर मिल्क अगर प्रोसेस करके चाहिए उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उसी के साथ साथ जैसा ब्लैक टी होता है उसके साथ साथ जैसे ब्लैक कॉफ़ी होता है इसके लिए भी हम ये वेंडिंग मशीन को यूज़ करते हैं। अभी हम जैसे देखते हैं ये जो वेंडिंग मशीन है, तो वेंडिंग मशीन वैसे तो इसमें पीसीबी प्रॉब्लम था, तो हमने इसका पीसीबी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है। ये डेड थी पूरी, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था, और पीसीबी स्टार्ट होने के बाद में भी जैसे इसकी मोटर्स ऑन नहीं हो रही थी और जैसे इसका हीटिंग एलिमेंट भी ऑन नहीं हो रहा था। तो ये प्रॉब्लम होने की वजह से मशीन हमारी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही थी, तो ये प्रॉब्लम हमने पीसीबी से सॉल्व कर दिया है। अभी हम ये देखते हैं कि ये मशीन का प्रोसेस कैसा है। तो पहले तो यहाँ पे ऊपर में जैसे ये पोजिशन में हमें वाटर का जैसे डिस्पोजेबल कंटेनर लगाना पड़ता है जिसमें पानी होता है, ठंडा पानी जो होता है, नॉर्मल वाटर। उसके बाद में जैसे हम मशीन को स्टार्ट करते हैं, तो मशीन को स्टार्ट करने के लिए पावर ऑन और पावर ऑफ की बटन यहाँ पे अंदर ही दिए, तो हम इसे एक बार स्टार्ट कर देते हैं। तो मशीन मैंने जैसे स्टार्ट कर दिए तो मशीन में अभी डिस्प्ले पे देखिए क्या आ रहा है, नॉट रेडी आ रहा है, नॉट रेडी करके लिख के आ रहा है, और उसके नीचे HTR ऑन लिख के आ रहा है, और इसके नीचे WTR ओके लिख के आ रहा है। नॉट रेडी मतलब मशीन में अभी जैसे हमने वाटर डाला है तो वो अभी रेडी नहीं है, हीट होके रेडी नहीं है, गर्म होके रेडी नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं। HTR का मतलब होता है जैसा हीटिंग एलिमेंट जो लगाया था है वो अभी ऑन है। उसके बाद में WTR वाटर ओके मतलब इसमें पानी का जो लेवल है वो बराबर है। तो इसमें सेंसर लगे होते हैं वाटर लेवल सेंसर, तो उसने डिटेक्ट कर लिया है कि वाटर लेवल भी ओके है। उसी के बाद में ये मशीन स्टार्ट होती है। अगर इसमें वाटर लेवल बराबर नहीं रहा तो मशीन स्टार्ट नहीं होंगी। अगर उसमें हीटिंग रॉड अगर ऑन नहीं हो रहा होगा तो मशीन इस यहाँ पे दिखाएंगे कि हीटिंग रॉड ऑन नहीं हो रहा है। और उसके बाद में जैसे यहाँ पे नॉट रेडी करके आया है तो यहाँ पे रेडी करके आता है या वेलकम लिख के आता है। अभी ये मशीन में देखते हैं हम कौन कौन से बटन और कौन कौन से फीचर दिए हैं। जैसे इसमें कॉफ़ी का बटन दिया गया है, उसके बाद में एक टी का बटन दिया गया है, उसके बाद में हॉट वाटर का दिया गया है, उसके बाद में हाफ कप का दिया गया है। अगर आपको हॉट वाटर चाहिए ये तो फुल कप हो गया, उसके बाद में अगर हाफ कप वाटर चाहिए तो हाफ कप वाटर का भी इसमें आपको ऑप्शन दिया गया है। अभी ये मशीन वर्क कैसी करती है, जैसे हमने ऊपर से तो पानी का कंटेनर लगा दिया है, जैसे पानी का कंटेनर हम लगाते हैं 25 लीटर की बॉटल होती है तो हमने बॉटल लगा दी है। तो अभी मशीन नॉट रेडी है पर यहाँ पे हीटर ऑन है, तो हीटर इसका ऑन हो चुका है। तो अभी जो पानी यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक स्टोरेज टैंक होता है तो उसमें पानी अभी पहले हीट होगा, हीट होने के बाद में जैसे वो रेडी हो जाएगा तो यहाँ पे वेलकम करके लिख के आता है या रेडी करके लिख के आता है, डिपेंड होता है मशीन के ऊपर में। पर सारे वेंडिंग मशीन का जैसे कोई भी अगर वेंडिंग मशीन होती है, ब्रिवरेज वेंडिंग मशीन जैसे हॉट वाटर मशीन हो गया, उसके बाद में कॉफ़ी वेंडिंग मशीन हो गया, सारे मशीन्स का प्रोसेस सेम होता है। वो कोई भी कंपनी की मशीन हो उसमें जो प्रोसेस के लिए और जो पार्ट्स लगे होते हैं वो सारे सेम होते हैं, सिर्फ पीसीबी अलग अलग हो सकती है और प्रोग्रामिंग उसमें जैसे ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, पर पार्ट्स सेम लगे होते हैं जहाँ तक के। अभी जैसे हम देखते हैं हमारी मशीन अभी नॉट रेडी दिखा रही है, तो अभी हम इसे पहले रेडी होने देते हैं और इसमें कैसे कॉफ़ी मिक्स होकर आती है ये भी एक बार देख लेते हैं हम। अभी जैसे मशीन नॉट रेडी दिखा रही है पर इसका हीटर ऑन है, तो हम देख सकते हैं हमारे एम्पियर मीटर में 1.5 इसका एम्स का रीडिंग चल रहा है, एम्पियर का रीडिंग 1.5 चल रहा है और 225 वोल्ट पे मशीन वर्क कर रही है। तो जब हीटर ऑन है तो हीटर का रीडिंग 1.5 एम्पियर दिखा रहा है, तो जैसा हीटर जो कंज्यूम कर रहा है एम्पियर वो 1.5 के हिसाब से कंज्यूम कर रहा है और उसको वोल्टेज जा रहा है 223। देखिए अभी हीटर ऑफ हो गया इसमें, तो देखिए फिर से ऑन हो गया, अभी फिर से हीटर ऑफ हो गया तो उसका जो एम्पियर रीडिंग है वो ज़ीरो हो गया है। मतलब इसमें वाटर अभी जो हीटर लगा था इसमें वाटर के लिए वो अभी बंद हो चुका है। तो देखिए मशीन पे भी अभी हम देखेंगे तो इस पर वेलकम का आ गया है, मतलब इसका जो हीटिंग है ये हो चुका है। अभी हम इसमें देखेंगे जैसा टेम्परेचर है, अभी पहले कैसा वेलकम भी आ गया है, यहाँ पर जैसा भी हीटर ऑन दिखा रहा था तो यहाँ पर टेम्परेचर होके आ गया है, मतलब यहाँ पे जो कंटेनर है हॉट वाटर कंटेनर उसका टेम्परेचर रीच हो चुका है और प्रॉपर लेवल पे आ गया है। अभी जैसे हमें कॉफ़ी का ऑप्शन है, टी का ऑप्शन है,
हॉट वाटर का है और हाफ कप का ऑप्शन है। जैसे मैं अभी कॉफ़ी का ऑप्शन दबाता हूँ तो मशीन ने अभी देखिए सर्विंग ड्रिंक कर रहा है, तो यहाँ से देखिए उसने कॉफ़ी के लिए एक कप कॉफ़ी उसमें दे दी है उसने। अभी जैसा मैं टी के फंक्शन पे करूँगा, पर उसके पहले देखिए प्लीज़ वेट आ गया है। तो फिर से इसमें जैसे हीटिंग इसका एलिमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है, अभी फिर से वेलकम आ गया है, मतलब इसका बराबर टेम्परेचर फिर से रीच हो चुका है। अभी मैं टी के लिए फिर से दबाऊँगा तो मशीन फिर स्टार्ट होती है, सर्विंग ड्रिंक टू आ गया है फिर से। तो देखिए इसमें फिर से सर्विंग ड्रिंक टू हो गया है। तो जितने पानी की रिक्वायरमेंट है एक कप के लिए, तो उतना पानी इसने यहाँ से आउट कर दिया है। क्या होता है अगर मुझे कॉफ़ी भी नहीं पीनी है और टी भी नहीं पीनी है, तो मुझे सिर्फ हॉट वाटर चाहिए, उसके बाद में सिर्फ हाफ कप अगर हॉट वाटर चाहिए, तो मैं हॉट वाटर चाहिए तो सिर्फ हॉट वाटर के लिए प्रेस करूँगा। तो इसमें हॉट वाटर के लिए प्रेस करता हूँ तो एक कप ही हॉट वाटर इसमें निकल जाता है, ठीक है। जैसे सर्विंग ड्रिंक थ्री आ गया, तो थर्ड ऑप्शन था इसलिए सर्विंग ड्रिंक थ्री आ गया। फिर से प्लीज़ वेट दिखा रहा है, मतलब इसका जो एलिमेंट है फिर से पानी को गर्म कर रहा है, ठीक है। अभी फिर से ये वेलकम, मतलब फिर से ओके हो गया है। अभी हम देखते हैं कि इसमें पार्ट्स कौन कौन से लगे हैं और पार्ट्स का वर्किंग क्या है, और पार्ट्स अगर वर्क कर रहे तो उसके लिए रिक्वायरमेंट वोल्टेज कितना होता है, डीसी वोल्ट पे वर्क कर रहा है या एसी पे वर्क कर रहा है, तो ये भी हम देखेंगे। तो उससे आप ये फाइंड कर सकेंगे कि इसके पीसीबी में तो प्रॉब्लम नहीं है या उसके पार्ट में प्रॉब्लम है। अगर पीसीबी में प्रॉब्लम नहीं होता है तो मतलब हमें जो पार्ट के ऊपर वोल्टेज मिलना है वो प्रॉपर मिलेंगे। अगर पीसीबी में प्रॉब्लम होता है तो हमारे पार्ट पे जो वोल्टेज मिलना है वो प्रॉपर नहीं मिलेंगे। तो पहले हम सामने का ये वाला बोर्ड खोल लेते हैं और देख लेते हैं इसके अंदर में क्या क्या लगा हुआ है। अभी जैसे मैंने ये बोर्ड खोला है तो इसमें यहाँ पे पीसीबी लगी हुई है, तो पीसीबी लगी हुई है, तो दो स्क्रू खोलने के बाद में यहाँ से इसका फ्लिप खुल जाता है। तो ये इसकी पीसीबी लगी हुई है वेंडिंग मशीन की। तो यहाँ पे सारे रिले दिए गए हैं, जैसे मोटर के लिए रिले दिए गए हैं, उसके बाद में जैसे इसमें चार मोटर लगी है, नीचे में दो है ऊपर में दो लगी है, तो वो दोनों मोटर के लिए अलग अलग रिले दिया गया है। उसके बाद में जैसे अभी मुझे टेम्परेचर के लिए ऑन करना है, ठीक है, तो हीटिंग एलिमेंट का भी प्रोसेस के लिए दिया गया है। उसके बाद में इसमें डीवी लगे होते हैं, डिस्पेंसर वॉल बोलते हैं। डिस्पेंसर वॉल को हम जैसे इनलेट, जैसे जो वॉल होते हैं डिस्पेंसर वॉल जो होते हैं उसको हम सोलेनोइड वॉल भी बोल सकते हैं। तो एक्चुअली वॉल का ही वर्क कर रहा है, वॉल ओपन और क्लोज का वर्क कर रहा है। और जैसे हमारे इसमें पीसीबी दी गई है, उसी के साथ साथ यहाँ पे जैसे फ्यूजेस भी दिए गए हैं, फ्यूज़ करता है एम्पियर के लिए वर्क। जैसा वोल्टेज तो स्टेबल है, पर कभी कभी क्या होता है अंदर में कुछ प्रॉब्लम आने की वजह से किसी चीज़ का अगर कंजम्पशन बढ़ जाता है तो उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो उसके लिए प्रोटेक्शन लगे होते हैं। जैसे फ्यूज़ 5 एम्पियर भी लगा है, फ्यूज़ 15 एम्पियर भी लगा है। उसी के साथ साथ यहाँ पे पावर ऑन और पावर ऑफ की भी बटन लगी हुई है। अभी जैसे हमारी मशीन का जो एलिमेंट है, जैसा हीटिंग एलिमेंट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें एक टेम्परेचर रीच होना चाहिए, गर्म पानी जब तक इसमें होता नहीं है तब तक ये मशीन मतलब रेडी नहीं आती है, नॉट रेडी दिखाती है। जैसे गर्म पानी हो जाता है तो उसके बाद में रेडी दिखाती है। तो उसके लिए यहाँ पे भी देखिए हीटिंग ऑन का यहाँ पे भी एक एलईडी दिया गया है। तो ये हीटिंग ऑन का एलईडी भी ग्लो करता है जब इसमें जब इसका एलिमेंट स्टार्ट होता है। तो इसमें हम पहले देख लेते पार्ट कौन कौन से लगे और पार्ट कहाँ कहाँ पे लगे और क्या इसका प्रोसेस है और क्या इसका वर्किंग है। अभी जैसा प्रोसेस हमारा स्टार्टिंग प्रोसेस ऐसा होता है कि डिस्पेंसर यहाँ पे लगा होता है। तो यहाँ पे डिस्पेंसर हम लगाने के बाद में यहाँ पे जैसे देखिए पंचिंग करने वाला रॉड लगा हुआ है डिस्पेंसर को, तो यहाँ पे हम डिस्पेंसर फिट कर देते हैं। तो डिस्पेंसर जब फिट करते हो तो इसके नीचे एक कंटेनर होता है, यहाँ पे पानी आके स्टोर होता है। तो यहाँ पे पानी आके स्टोर होता है इसके अंदर में कंटेनर में, तो ये कंटेनर देख लेते हैं हम एक बार। तो यहाँ पे पहले पानी आके स्टोर होता है ये कंटेनर में, उसके बाद में इसमें कंटेनर में ओवरफ्लो का भी दिया है, उसके बाद में हॉट वाटर रिटर्न का भी दिया है फिर से मिक्स होने के लिए। और इसमें दो सेंसर दिए गए हैं, तो ये वाटर लेवल सेंसर है। अगर इसमें पानी नहीं होगा तो ये मशीन भी स्टार्ट नहीं होगी। तो मैंने जैसे आपको पहले बताया था अगर इसमें पानी एम्प्टी होता है तो मशीन स्टार्ट नहीं होती है, तो उसके लिए डिटेक्ट करने के लिए दो सेंसर लगे होते हैं। तो ये वाटर लेवल सेंसर होते हैं जो वाटर का लेवल डिटेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे पानी आ जाता है, कोल्ड वाटर यहाँ पे स्टोर हो जाता है पहले। अभी नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं, जैसे तो कोल्ड वाटर यहाँ पे स्टोर होता है तो उसके बाद में ये वाटर डायरेक्ट हीटिंग, जैसे जहाँ पे हमें यहाँ पे नीचे टैंक लगी हुई है तो ये टैंक में जाता है जहाँ पे पानी हीट होता है, मतलब इसे गर्म करता है। तो नीचे में इस टैंक के लिए क्या क्या पार्ट्स लगे ये भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे हमारा यहाँ पे कोल्ड वाटर है तो कोल्ड वाटर का एक पाइप जैसे निकल रहा है, तो कोल्ड वाटर का पाइप ये निकल के जा रहा है यहाँ से साइड से। तो ये साइड से निकल के जाने के बाद में इस हॉट वाटर के टैंक में जा रहा है। तो एक बार देखते हैं हॉट वाटर टैंक पे क्या क्या पार्ट्स लगे हुए हैं। तो हीटिंग वाटर टैंक के लिए पहले पीछे से हम ये पैनल खोल लेते हैं, और पैनल जब खोलेंगे हम तो इसमें जैसे मोटर भी लगी होती है पीछे में। तो एक बार ये मोटर भी बराबर ध्यान से खोलना है आपको, वायर टूटना नहीं चाहिए इसके। तो जैसे अभी हम ये देख लेते एक बार,
हीटिंग इसमें ऐसे टैंक लगा हुआ है तो कहाँ पर लगा हुआ है? अभी इसमें नीचे में हम साइड में देखते हैं तो यहाँ पे जैसे पहले मैंने बताया आपको ऊपर के टैंक से कोल्ड वाटर आएगा तो ये हॉट वाटर का टैंक होता है नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे पानी पहले आ जाता है और उसके बाद में इसके नीचे से आप देखेंगे तो इसमें हीटिंग एलिमेंट लगा हुआ है। तो जैसे हॉट वाटर के नीचे साइड में हीटिंग एलिमेंट दिया गया है तो हीटिंग एलिमेंट जैसे एक रबल सील के ऊपर में टाइट किया गया है जिससे लीकेज नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे नीचे साइड में एक हीटिंग एलिमेंट दिया गया है। अभी जैसे हीटिंग एलिमेंट दिया गया है तो उसी के साथ साथ टैंक में अभी क्या क्या लगा है ये भी एक बार देख लेते हैं ऊपर पार्ट्स में क्या क्या लगा हुआ है। जैसे हीटिंग टैंक के नीचे में हीटिंग एलिमेंट लगा है वो हमने देख लिया है। अभी हीटिंग टैंक में जैसा एलिमेंट लगा है जब वो हीटिंग एलिमेंट जब स्टार्ट होता है तो इसमें हॉट वाटर आता है, हॉट वाटर क्रिएट होता है इसमें कोल्ड वाटर की जगह में। अभी वो डिटेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पे थर्मोस्टेट भी दिया गया हुआ है तो हमें जैसा पानी हमारा गर्म हो गया है नहीं हुआ है कितने डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि जब तक ये पानी इसका गर्म नहीं होगा तब तक ये मशीन स्टार्ट नहीं होती है जैसे मैंने आपको बताया। तो ये डिटेक्ट करने के लिए यहाँ पे थर्मोस्टेट भी लगा हुआ है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे वॉल लगे हुए दो है ना, दो वॉल दिख रहे हैं तो इसे सेलोनाइट वॉल भी बोलते हैं या डीवी भी बोलते हैं, डीवी मतलब डिस्पेंसर वॉल्स भी बोलते हैं। तो जिस वजह से जब ये पानी यहाँ पे हॉट वाटर क्रिएट हो जाता है, अभी जब मैं ब्रिवरेज वन के लिए अगर इसे सिलेक्ट करता हूँ तो ब्रिवरेज वन के लिए जैसे ये दिया गया होगा तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद मैं ब्रिवरेज टू के लिए सिलेक्ट करता हूँ तो ये वाला वॉल ऑन हो जाता है। अभी वॉल का प्रोसेस ऐसा होता है जैसे इसमें सप्लाई आता है तो उसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जैसे फील्ड जनरेट होती है तो मैग्नेट ऊपर जाने के बाद में वॉल स्टार्ट हो जाता है। जैसे वॉल का स्पेसिफिकेशन दिया गया है इसमें 230 वोल्ट एसी पे ये वर्क करता है, इसका मतलब वॉल को ऐसा चेक करना है अगर इसमें सप्लाई आ रहा है 230 वोल्ट एसी तो इसका मतलब पीसीबी से सप्लाई आ रहा है, वॉल के ऊपर सप्लाई नहीं आ रहा है। तो ये एक पार्ट का फंक्शन हो गया। अभी जैसा हीटिंग एलिमेंट भी अगर हमें चेक करना है नीचे का तो हीटिंग एलिमेंट पे भी इस पे 230 वोल्ट आता है, अगर 230 वोल्ट अगर इस पे प्रॉपर आ रहा है तो इसका मतलब हमारा हीटिंग एलिमेंट भी ओके है। तो इस तरीके से हम वाटर टैंक पे लगे हुए पार्ट्स को चेक भी कर सकते हैं। अभी जैसे हीटिंग एलिमेंट हमारा स्टार्ट होता है तो उसके बाद में मैंने आपको बताया था यहाँ पे जैसे हीटिंग ऑन है ये इंडिकेशन आता है तो इससे ही पता चल जाता है कि उसके ऊपर सप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अभी वो देखने के बाद में जैसे हमने हीटिंग टैंक पे क्या क्या लगाया ये देख लिया है। अभी इसके पीछे में जैसे यहाँ पे इसके पीछे में ये जो चीज़ लगी है बॉक्स टाइप, ये रिले है, ये रिले यहाँ पे लगा हुआ होता है जो रिले स्टार्ट करने का वर्क करता है। अभी जैसा हमें इसमें ये भी प्रोसेस देखना है कि हमने हीटिंग टैंक तो देख लिया है, हीटिंग टैंक के बाद में जैसा इसमें पानी अगर हॉट हो जाता है, अगर ज़्यादा ही हीट हो जाता है तो उसके बाद में ऐसा अपर साइड से ये फिर से ये वाले टैंक में रिवर्ट चले जाता है, ठीक है। अभी जैसे इसका प्रोसेस हम देखते हैं, इसके प्रोसेस में हमने सामने में क्या क्या चीज़ लगी है वो भी एक बार देख लेते हैं। कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है तो कॉफ़ी कहाँ पे इसमें डाली जाती है और जैसे टी इसमें वेंडिंग करते हैं तो उसके लिए कहाँ पे डाली जाती है, तो ब्रिवरेजेज के कंटेनर दिए गए हैं यहाँ पे। तो ये कंटेनर अगर मैं निकालता हूँ ब्रिवरेज का, तो जैसा वन का कंटेनर मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से, तो जैसे ये कंटेनर दिया गया है तो इसमें हम कॉफ़ी फिल करके रख सकते हैं। अगर आपको सिर्फ नॉर्मल कॉफ़ी फिल करके रखनी है तो नॉर्मल भी कॉफ़ी फिल करके रख सकते हैं, अगर आपको लगता है मिल्क पाउडर मिक्स करके भी रखना है तो मिल्क पाउडर मिक्स करके भी रख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे मिक्स करके रखने के बाद में जैसे इसमें भी दो पार्ट लगे हुए, एक नीचे का रोलर लगा है जो रोलर जब ये घूमता है तो उसके बाद में जैसा ये यहाँ पे एक व्हील दिया गया है, गियर व्हील दिया गया है मिक्सिंग के लिए, तो मिक्सिंग के लिए गियर व्हील घूमता है क्योंकि कैसा होता है कॉफ़ी अगर कहीं जम जाती है तो उसको प्रपोर्शन में बराबर उसने नीचे गिराना चाहिए, उसका ये प्रोसेस होता है। तो जैसे मैं घुमा रहा हूँ ये देखिए रोलर को घुमा रहा हूँ तो ऊपर का व्हील भी घूम रहा है। अभी जैसे मैं रोलर को घुमाता हूँ पीछे से तो यहाँ से जैसे कॉफ़ी गिरना स्टार्ट हो जाती है तो कॉफ़ी जो वहाँ से ड्रॉप होती है तो वो मिक्सिंग बाउल में गिरती है, तो ये मिक्सिंग बाउल होता है उसका, तो मिक्सिंग बाउल हो गया। अभी मिक्सिंग बाउल में जैसे मिक्सिंग बाउल के तीन पार्ट होते हैं, तो मिक्सिंग बाउल के तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, ये जो पहला पार्ट है वो जैसा स्टीम बाउल कहलाते हैं इसे, तो स्टीम बाउल कहते हैं इसे। अभी ये स्टीम बाउल ऐसे निकल जाता है तो यहाँ से कैसा होता है स्टीम इसकी ये सक करके पीछे साइड से फैन के ब्लोअर के थ्रू बाहर में डिस्चार्ज कर देता है, तो ये हो गया स्टीम बाउल हो गया इसका। उसके बाद में जैसा मिक्सिंग बाउल है जिसमें हॉट वाटर आता है ना, तो ये हॉट वाटर के लिए बाउल है तो इसमें हॉट वाटर आता है, तो ये हॉट वाटर का भी एक बार देख लेते हैं हम। देखिए जैसे ये बाउल है तो हॉट वाटर यहाँ से आता है, जैसे वो डिस्पेंसर से मैंने बताया, जैसे कंटेनर है पीछे में टैंक दिया गया है जिसमें पानी गर्म हो रहा है तो वहाँ से पाइप के थ्रू में ये यहाँ पे कंटेनर में वाटर आता है। वाटर आने के बाद में यहाँ पे ये मिक्सिंग वाला है तो अभी इसे भी खोल लेते हैं। तो इसे खोलने के बाद में जैसे बाहर
कूल करके निकल जाता है। अभी यहाँ पे जैसे हॉट वाटर आने के बाद कॉफ़ी आने के बाद में मिक्स होता है यहाँ पे, तो मिक्स करने के लिए यहाँ पे देखिए इम्पेलर लगा हुआ है। तो जैसे ही मोटर स्टार्ट होती है तो इम्पेलर इसमें घूमता है और कॉफ़ी और जो हॉट वाटर होता है वो मिक्स हो जाता है। और कॉफ़ी अगर हॉट वाटर अगर मिक्स होता है तो वो ये पाइप से यहाँ पे कप में आ जाता है नीचे में। अभी जैसे यहाँ पे इम्पेलर भी लगा हुआ है तो इम्पेलर के पीछे में जैसा इम्पेलर बुश लगा होता है और यहाँ पे जैसे प्लेट लगी होती है, तो उसके बाद में इम्पेलर बुश इसलिए लगा होता है कि क्योंकि यहाँ पे भी देखिए जैसा ओरिंग भी लगी है इसके ऊपर में, ठीक है। ओरिंग लगी है मतलब जब हम ये इसे बिठालते हैं इसके ऊपर तो यहाँ से भी लीकेज नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ओरिंग लगी है। और इम्पेलर के पीछे में एक इम्पेलर बुश लगा हुआ है जिससे पानी पीछे साइड में नहीं निकलना चाहिए। तो ये प्रोसेस हो गया मिक्सिंग पॉट का। जैसे इसमें मिक्सर बाउल दो लगे हैं तो मशीन में कहीं तीन भी हो सकते हैं, कहीं एक भी हो सकता है, तो डिपेंड करता है कितने ब्रूवरीज के लिए ये मशीन डिज़ाइन की गई है। अभी जैसे हमने मिक्सर बाउल भी देख लिया है, उसके बाद में कंटेनर भी देख लिया है, तो ये भी कंटेनर का वर्क सेम रहेगा। अभी कंटेनर देखने के बाद में जैसे जहाँ पे कंटेनर लगता है पीछे में, तो यहाँ पे भी दो मोटर दी गई है। अभी जैसे यहाँ पे नीचे हमने पहले तो ये देख लेते हैं कि जैसे नीचे में भी दो इम्पेलर लगे तो यहाँ नीचे में भी दो मोटर लगी हुई है इसमें, तो वैसे कुल मिला के चार मोटर लगी हुई है इसमें। अभी हमें ये देखना है कि जैसे हम ये ब्रिवरेज का बॉक्स यहाँ पे ऊपर लगाते हैं तो नीचे का रोलर को रोल करने के लिए यहाँ पे जैसे ब्रिवरेज का बॉक्स लगा है तो नीचे का रोलर अगर रोल करना है तो उसके लिए कैसा है, जैसा पहला हमें सेक्शन जो दिया गया है मोटर का, तो इसमें कैसा होता है जैसे गियर लगा होता है इसमें, तो ये गियर यहाँ पे लग जाता है इसे शाफ्ट पे, और उसके बाद में यहाँ पे जैसे वो गियर यहाँ पे इसमें जाके फिक्स हो जाता है। जब वो मशीन मोटर स्टार्ट होती है तब ये गियर घूमने लगता है और उसके बाद में इस रोलर को वो घुमाता है, उसके बाद में कॉफ़ी यहाँ पे नीचे मिक्सिंग बाउल में आके गिरती है। तो जैसे हम इसे ऐसे लगाएंगे तो पीछे से जब वो स्टार्ट होने वाला है हमारा, तो पीछे से जब स्टार्ट होगा तो यहाँ से हमारा रोलर रोल होगा और रोलर रोल होता है तो धीरे 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 कॉफ़ी आके बाउल में गिर जाती है। जैसे मैंने आपको बताया था इसमें चार मोटर लगी हुई है, जैसे सामने के कंटेनर के लिए दो मोटर लगी हुई है, उसके बाद में वहाँ पे मिक्सिंग बाउल के लिए भी दो मोटर लगी हुई है, तो इसके ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखा ही हुआ है। तो वो स्पेसिफिकेशन अगर लिखा होता है तो हमें इस पर सिर्फ वोल्टेज चेक करना है कि वोल्टेज कितने जनरेट हो रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि अगर वोल्टेज जनरेट हो रहे हैं तो 100% मोटर में ही प्रॉब्लम है, अगर वोल्टेज जनरेट नहीं हो रहे तो ये तो पीसीबी में प्रॉब्लम होता है। उसके बाद में ये भी देखने लगा है कि आगे के शाफ्ट से मोटर घुमा के कि हमारी मोटर फ्री है या नहीं है, तो उसके हमको पता चल जाएगा कि मोटर तो हमारी जाम नहीं है। तो इस प्रकार से हमने इसका प्रोसेस भी देख लिया है कि मोटर चार लगी हुई है और इसे कैसे चेक करते हैं। अभी जैसे पीछे में भी एक फ़ैन मोटर लगी हुई थी जो सक करके डिस्चार्ज कर रही थी, तो उसमें क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि ये स्टीम बाउल होता है, तो स्टीम बाउल जैसे लगा हुआ है, जैसे पहले तो इम्पेलर का जो मिक्सर लगा है वो लगा है, उसके बाद में जहाँ पे वाटर आता है और वाटर यहाँ से नीचे जब जाता है तो ये चीज़ लगी है उसके ऊपर लगा होता है स्टीम बाउल। तो स्टीम बाउल जहाँ पे लगा होता है वहाँ पे देखिए यहाँ पे सक्शन के लिए पाइप लगा हुआ है, तो ये स्टीम बाउल के यहाँ पे सक्शन के लिए पाइप लगा होता है। तो जो पीछे की मोटर होती है जो मतलब पीछे साइड में जहाँ पे हमारा हमने पीछे से ओपन किए वहाँ पे एक फ़ैन मोटर लगी है, तो वो क्या करेंगी फ़ैन मोटर यहाँ पे जो स्टीम जनरेट होती है वो स्टीम यहाँ से सक करके पीछे साइड से बाहर फेंकेंगी। अगर स्टीम यहीं पे अगर जनरेट होता है तो इसको रस्ट कर देगा, तो इसके वजह से हो सकता है कि जैसे हमारी पीसीबी लगी है या कोई पार्ट्स लगा है तो मॉइस्चर के वजह से वो शॉर्ट हो सकता है, इसलिए वो स्टीम बॉयलर के लिए एक पीछे से फ़ैन मोटर सेपरेट लगी होती है। तो एक बार पीछे देख लेते हैं फ़ैन मोटर कहाँ पर लगी होती है। अभी जैसे स्टीम बाउल के लिए जैसे मोटर लगी थी सक करने के लिए, तो मैंने आपको बताया था, तो पीछे के पैनल में लगी हुई होती है, तो ये पाइप कनेक्ट होता है जहाँ पे हमारा स्टीम बाउल जहाँ पे सामने कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे ये यहाँ पे ये होज से कनेक्ट होता है, तो ये पाइप वहाँ पे होज में कनेक्ट होता है और वहाँ से वो स्टीम को सक करके इस फैन मोटर के थ्रू बाहर फेंक देता है। तो इस प्रकार ये स्टीम बाउल का वर्क है कि स्टीम अगर उसमें कैच करना है उसके बाद में ये मोटर सक करके यहाँ से डिस्चार्ज कर देती है, तो जिससे अंदर में मॉइस्चर क्रिएट नहीं होता है और पीसीबी होने शॉर्ट होने के चांसेस, उसके बाद में पार्ट शॉर्ट होने के चांसेस ये नहीं होते हैं, तो ये सेफ्टी के लिए होता है। अभी जैसे शॉर्ट में इसका प्रोसेस देख लेते हैं प्रोसेस क्या हो रहा है, क्योंकि हमने सारे पार्ट्स तो देख लिए, प्रोसेस क्या होता है। जैसे यहाँ पे हमारा कोल्ड वाटर आ गया, इसने वाटर लेवल डिटेक्ट कर लिया है, मशीन को बता दिया है कि वाटर फिल हो गया है, उसके बाद में यहाँ से कोल्ड वाटर इस टैंक में जाता है, इस टैंक में जाने के बाद में वहाँ पे जैसे हीटिंग एलिमेंट लगा होता है तो हीटिंग एलिमेंट स्टार्ट हो जाता है। हीटिंग एलिमेंट पहले तो स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमें मशीन स्टार्ट कर देते हैं, वहाँ पे वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही वाटर लेवल बॉयल होके एक टेम्परेचर तक अगर रीच हो जाता है, उसके बाद थर्मो
थर्मोस्टेट ये कट हो जाता है, तो थर्मोस्टेट कट होने के बाद में हीटिंग एलिमेंट पे जो सप्लाई आता है वो कट हो जाता है, उसके बाद में मशीन हमारी रेडी हो जाती है वर्क करने के लिए। अभी जैसे मुझे कॉफ़ी चाहिए, तो मैंने जैसा बताया था आपका यहाँ पे, बताया था यहाँ पे आपको मैंने कि जैसे कॉफ़ी का ऑप्शन होता है, तो ये बटन अगर मैं प्रेस करता हूँ तो प्रोसेस क्या स्टार्ट होती है। ये बटन अगर मैंने प्रेस कर दिया तो यहाँ का जैसे लगा हुआ वाला पहला वॉल ये तो स्टार्ट हो जाएगा, उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्रिवरेज वन की जो मोटर होती है तो वो भी स्टार्ट हो जाती है। तो ब्रिवरेज वन की मोटर भी सेम टाइम पे स्टार्ट होंगी, उसके साथ साथ ये वॉल भी सेम टाइम पे स्टार्ट होगा, क्योंकि ब्रिवरेज वन की मोटर जब स्टार्ट होती है तो जैसे हमारा मिक्सिंग जैसा बाउल होता है तो उसके अंदर में जैसे कॉफ़ी रखी है तो वो इसमें ड्रॉप हो जाएंगी, उसी के साथ साथ पानी भी वो एट अ टाइम यहाँ पे पानी आ जाएगा। उसके पानी आने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया था नीचे में इम्पेलर लगा हुआ है, तो ये इम्पेलर को स्टार्ट करना है क्योंकि इसमें पानी और कॉफ़ी तो आ गया है, तो ये इम्पेलर की मोटर स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे मोटर स्टार्ट होंगी तो ये मिक्स करके हमें सामने से कॉफ़ी हमारी सर्व कर देगा। तो ये इस तरीके से हमारा जो वेंडिंग मशीन है, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, इसका प्रोसेस हो चुका है, इस तरीके से ये वर्क करती है। तो अभी जैसा हमने पूरा प्रोसेस भी देख लिया, पार्ट्स भी देख लिए, इसमें कहाँ पे कौन सा पार्ट लगा हुआ है उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन पहले से दिया ही गया होता है, तो एक बार आप चेक भी कर सकते हैं कि वोल्टेज आ रहा है नहीं आ रहा है, पार्ट्स वर्किंग में है नहीं है। तो मशीन स्टार्ट हो गई है, तो देखिए एम्पियर लेना स्टार्ट कर दिया क्योंकि इसका हीटिंग एलिमेंट स्टार्ट हो गया है। अभी जैसे ये हीटिंग एलिमेंट ऑफ हो जाएगा तो एम्पियर लेना भी बंद हो जाएगा, और यहाँ पे जैसा हीटिंग का साइन दिखा रहा है, जैसा इंडिकेटर दिखा रहा है, तो हीटिंग का इंडिकेटर भी ऑफ हो जाएगा, और उसके बाद में जैसा डिस्प्ले पे अभी नॉट रेडी दिखा रहा है तो वो वेलकम दिखाना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे। और इसमें जैसे HTR ऑन है मतलब इसका हीटर भी ऑन है, ठीक है। तो एक बार देखते हैं हीटर ऑफ होने के बाद में क्या, एक बार प्रोसेस में डाल के देखेंगे कि बाउल में पानी कैसे वो आता है और उसके बाद में कैसे वो मिक्स होके हमारे इसमें बाहर आ जाता है आउटपुट में। तो जैसे हमारा जो वाटर है वो हीट हो चुका है, तो देखिए आपने लाइट यहाँ पे ऑफ हो गया है। तो एक बार मैं इसे मशीन को प्रोसेस पे डालता हूँ, जैसे कॉफ़ी के इस पे डालता हूँ, तो देखना यहाँ पे पानी लेता है मशीन, ये पहला वाला ऑन हो जाएगा टैप। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, तो देखिए स्टार्ट हो चुका है, पानी लेना स्टार्ट कर दिया इसने। उसके बाद में पीछे का भी देखिए वहाँ पे गियर घूम रहा है, ठीक है, इस प्रकार से वर्किंग होता है। तो देखिए स्टीम यहाँ से कुछ भी बाहर नहीं आया क्योंकि स्टीम उसने सक करके पीछे थ्रो कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है। तो इस तरीके से हमने जो कॉफ़ी वेंडिंग मशीन है ऑटोमेटिक, उसका हमने प्रोसेस देख लिया, कैसा प्रोसेस होता है, क्या पार्ट्स लगे होते हैं और कैसी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन वर्क करती है। धन्यवाद। हमारे इंस्टीट्यूट में हम ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे होम अप्लायंस रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस में AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन, गीज़र, चिमनी, वाटर प्योरीफायर, गैस स्टोव, ये सारे अप्लायंसेस का हम 100% प्रैक्टिकल के साथ में कोर्स कंडक्ट करते हैं। अगर आपको भी हमारे साथ में कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए।